अच्छा पुलिस वाले भैया सुन रहे हैं आप लोग, रोक रहे हैं जनता को। इंस्पेक्टर साहब तो देखिए आचार संहिता भी लगा नहीं है, जनता को रोकने का कोई राइट नहीं है, सभा का परमिशन है। आप रोक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सुनिए थाना प्रभारी महोदय, चलो आप अगर जनता को आने से रोक रहे तो गलत कर रहे हैं। आचार संहिता 3:30 बजे लगेगा, वहां रोक सकते हैं। कितना रुकिएगा झारखंड को जी, कोयला लूट लिए, बादल लूट लिए, सब उठिएगा। ऐसा बड़ा बाबू बन गए, बाबू जी बड़ा बाबू को अभी कैसे रोकिएगा, बड़ा बाबू बन गए, बड़का ये भी बन गए। साढ़े 3 बजे रोकिएगा, कानून का सम्मान करते हैं, अपनी भर्ती का भी सम्मान करते हैं। अभी आपको रोकने का राइट नहीं है, विरंची का दलाली मत कीजिएगा। यहाँ कैसे रोकिएगा अभी, जान दे के झारखंड हम लोग बनाएंगे, बुरा नहीं कीजिएगा। जान दे के हमारे बाप तो झारखंड बनाने में, जमीन हम देंगे BSL को, हम पे चल के बात कीजिएगा। बड़ा बाबू जय इंस्पेक्टर, मैं छोड़ा ही मत। 3:30 बजे आचार संहिता लगेगा, आप उस समय रोकिएगा, हम खुद रुक जाएंगे। अभी आपको रोकने का राइट नहीं है। जय राम माता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको बिल्कुल रोकने का राइट नहीं है। एकदम नहीं रोकने का पूरा राइट है। जितने पुलिस पदाधिकारी सुन लीजिए, 3:30 बजे आचार संहिता लगेगा, आप समय रोकिएगा, हम खुद रुकेंगे, हम कानून का खुद सम्मान करते हैं। उल्टा काम करते हैं आप लोग। 3:30 बजे रोकिएगा, अभी नहीं रोकिएगा। बैठा सब, बसिया तो सह खाते एकदम कॉकरोच हाथ साफ देखिए वाला, सबके मालूम है सब, जितना लुटे वाला झारखंड के, चाहे प्रशासन में रहे चाहे पुलिस में, सबके मालूम है जरा महतो ना जी तक कहीं तीन खेत कर आए तक, सबके मालूम है सब, चोर चोर मोसेरा भाई है तुम सब, सबके मन बनाए कहले कि लुटना है झारखंड। मैनेजमेंट रहे, पदाधिकारी रहे, अधिकारी रहे, सब मन बनाए लगाए कि झारखंड के जितना जल्दी है सकल लूट के बर्बाद कर देना है। तो इसलिए याद रखा, 24 साल बाद कोई बेटा आए लो जे खुला मंच में बैठ के वीडियो रहे चाहे सीओ रहे, गिनती नहीं करे वाला ही गलत है, तो गलत है। इसलिए जरम महतो तो हिम्मत बन के लो, विधायक सांसद बहुत कोई बनते है, आज भी बनते है, कल भी बनते है, हिम्मत नहीं बन तो जरम महतो नाम से ही रोमा खड़ा हो जाए, उस शख्स के नाम जरम महतो लगो। तो आज अगर यहाँ चुप कर भा तो याद रखिया, ये मौका बार बार ना आए तो तोहर तोहर अंदर का डर से मगर आज साफ तो बोल दे, हमने अगर जीत गए हो तो थाना रहे चाहे ब्लॉक रहे चाहे कोई सरकारी दफ्तर रहे, वहां जनता नजर झुकाए के ना आए, नजर उठाए के जीवा, इस बात की गारंटी है। वहां नजर उठाए के जीवा, इस बात की एकदम 100% गारंटी हो। कल परसों राती हम भाषण दे लिए डुमरी विधानसभा के पार बाराडी में, एगो लोग हमारे से भेटे लगे, अपन नाम लग रहे खीरोधर महतो, वो लोकवा हमारे एकदम भाषण के बगल में खड़ा हो गए। हमारा कहले बाबू तोर जब रांची में जब भाषण दे ली, इंटरव्यू दे ली, उस भाषण में हमें 4 बार सुन ली और 4 बार हम कान दे ली। हम कहले क्या काम ले का बताओ तो ना बोली, तुम जब सुरेश महतो के नाम धरले हली वो हमारे दोस्त हल, और तुम्हें जो घटना बताली 100% सत्य घटना लगे, सुरेश महतो के जीते जी अगर दियो गोड़ काट दल, अगर दियो हाथ कटल गए, अगर दियो आँख कटल लय, ओकर बाद ओकरा बोरा भर के दामोदर नदी फेंकल गए, इतना कष्ट हमने झारखंड राज ले लिए, और बिरंची नारायण अगर विधायक बनता है तो अकरा दुख न करते बताओ तो। हमारे ही बगल में मामा घाट लगे है, कतरी नदी धारी आमडी बगड़ा हजरपुर आमडी, हमारे को मामा बनते कतरी नदी मारल गए,
लोके जितना दूर तक बालू होले उतना दूर तक खून से लाल भैग रहा बालू का। और आज बड़ा बाबू छोटा बाबू वीडियो सीओ यहाँ आज देखते मलकता बर्दाश्त नहीं करबो। हमार बाप दादा के खून से दामोदर नदी लाल भल तब झारखंड राज्य मिलल है। नौकरी करा है ईमानदारी से नौकरी करा बिरंची या रामव सिंह के गुलामी करे काम मत करा। चाहे कोई रहो पुलिस रहो चाहे प्रशासन रहो चाहे पदाधिकारी रहो ऐसे झारखंड राज्य ना मिलल है। दहेज में लगे हमने झारखंड राज्य ना लिए ना कोई हमने के किट में डल है। ये बगल में दामोदर नदी है ओकर बगल में कतरी नदी है। हमने बाप दादा खून से कतरी नदी लाल भय जाल है कतरी के बालू लाल भाई करवाने जब कटल के रहते अरे अखनी हमने पे चढ़ के बात कर अगर जरा मां तो जीत गए तो कोकरो चढ़ना है जब और जे चढ़ने ओकर पारसनाथ पहाड़ चढ़ेबे गवाह चिन्ह है। हमने की बुझे तो मलका है छमके है खा है या मजा करे है। बीएसएफ के क्वार्टर में कब्जा करा तो नहीं की पता चल तो झारखंड कैसे मिला ले। इसलिए अब उन्हें ढंकी मत कीजिएगा ईमानदारी से काम कीजिए नमस्कार करेंगे। विधायक का गुलामी कीजिएगा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कमाल लीजिएगा क्या कमाल लीजिएगा केस कीजिएगा। अरे जिसका बाप दादा को बोरा में भर के दामोदर नदी में फेंका जाता था वो बेटा लोग को कैसे डराइएगा आप कैसे डराइएगा क्या। हाँ जिसका बाप दादा को हाथ पांव जिंदा काट के आंख निकाल के दामोदर नदी में बोरा में भर के फेंका जाता था झारखंड आंदोलन में और उस सब बेटे को कैसे डराइएगा बंदूक से डराइएगा। ये बंदूक नहीं है शिवा महतो आपका बंदूक को चुमाट बोलता था हम भी चुमाट बोल रहे हैं चुमाट से हम लोग रोज बरत नारते हैं जो कान में कंधा में रखे हैं ना ऐसा ऐसा चुमाट से हम लोग रोज बरत नारते हैं। एकदम मजाक बना दिए हैं। अरे भाई ड्यूटी करते कौन ड्यूटी का सम्मान नहीं करता है कैसे पब्लिक को रोकेगा। परमिशन है कार्यक्रम का परमिशन है ना अर्जुन कार्यक्रम का किससे परमिशन एसटीओ से है एसटीओ से ऊपर है क्या बड़ा बाबू बड़ा बाबू जब खुद परमिशन दी तो पब्लिक को क्या रोक रहे स्टेज में बुला के पूछिए भैया। नहीं बड़ा बाबू जब खुद कार्यक्रम का परमिशन दी है तो रोक क्या रहे जी ड्यूटी कर रहे कि गुलामी कर रहे। जब आप खुद परमिशन दिए एसटीओ परमिशन दिए एसटीओ से ऊपर है आप गजब करते हैं महाराज एकदम मने ढांच के रखते हैं झारखंड को आप लोग। चला जो झारखंड मर के लिया उसके ऊपर चढ़ के बात कीजिएगा जिसके खून से झारखंड बना है उसको दबाइएगा। बंदूक रखे अच्छा से रखिए उससे हम नहीं डरते हैं। मजाक बना के रख दिए ठीक हो आज नया झारखंड अगर बनाना हो तो नया लड़का के हाथ में जिम्मा धाक 24 साल से दे दला कभी हेमंत सोरेन के कभी बाबूलाल मरांडी कभी अर्जुन मुंडा के। अब नया लड़का सबके मौका धाक नया समय नया तरीका नया ऊर्जा नया काम करके देखे तो। और हमनी आज साफ साफ बोल हो अगर चुनाव जीत के आवे हो तो मैया सम्मान में हमनी 1000 रुपया महीना ओकरा देव जकर उम्र 50 साल से पार हो बाकी 18 साल के बहन सब की हमनी 1000 रुपया बिल्कुल ना देव वोट दे चाहे ना दे ताकि 18 साल के अगर बेटी छोड़ के 1000 रुपया देवाए तो ओकर टैलेंट के नुकसान रहता। जियो सिम अभी की कर ले जियो सिम पहले फ्री में दलाए कि नहीं हमने एमए क्लास में पढ़ा लिया था फ्री में जियो सिम दलाए आज 300 रुपया महीना ले रहा है। अब लत लाइक करो तो जियो सिम यूज कर लिया है तो लत लाइक चुका तो ठीक उसी प्रकार हम 18, 21, 24 साल के लड़की के 1000 रुपया दिए के बात नहीं करते। अगर ओकरा हमारा दिए के रहता है तो जिला में ना सही पांचों प्रमंडल में 5 गो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना होता है जगह में सिर्फ महिला पढ़ते केजी से लेके पीजी तक बेटी छो के पढ़ाई निःशुल्क करल देता है। यह तो हमनी के मैया सम्मान है। 1000 रुपया देवो तो तुम खुदे कमे अभी नौकरी करे की जरूरत है बिहान उठ के टाण में दौड़े की जरूरत है परीक्षा तैयारी की जरूरत है 1000 टका फ्री में मिलिए रहा है। और बाप जखन बड़ो 2 साल भेबा तो बापे बढ़िया दर दे के बोर किनिए देते
गलत बोला ही। इसलिए हमने 18 साल 21 साल के बेटी छुआ के 1000 रुपया दिए के पक्ष में ना लिए, ओकरा निःशुल्क शिक्षा देबो, ओकरा ओकर योग्यता के आधार पे नियोजन कैसे मिलता है, ओकर में कैसे ओकरा प्राथमिकता देबे, एकर पे काम भतो। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने इस राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य के दुरुस्त करना हो। आज से कुछ साल पहले जब हमने घर एक तोहनी स्कूल जाला तो स्लेट लेके जाला, आज हमने किधर बुतरू प्लेट लेके जाओ, और हमने के शिक्षा के मूल्यांकन और पढ़ाई लिखाई से ना भे, अब खिचड़ी से शिक्षा के मूल्यांकन भे रहा। इसलिए बेहतर शिक्षा झारखंड के जरूरत है। विनोद बाबू जिंदगी भर कहले पढ़ो और लड़ो, और आज भी हम पढ़े से खतरा ही रहा, इसलिए बेहतर शिक्षा हमने प्राथमिकता रहता। आज अगर स्वास्थ्य के बात करवा तो बिरंची नारायण अगर तबियत खराब हुई तो अगर जाकर अगर बहू के तो दिल्ली चल ली तो हैदराबाद चल ली तो, लेकिन मंगला को जहां तबियत खराब है कहां थी शनिचरिया के तबियत खराब है कहां जीते, सुनीता दी के तबियत खराब है कहां जीते। इसलिए हमने के पहल रह तो एक एक पंचायत में हर एक पंचायत में एक एक एमबीबीएस डॉक्टर के बहाल करल जीतो, और सबसे महत्वपूर्ण बात ओकरा हिदायत दिल जीतो कि ड्यूटी पीरियड में क्लिनिक देखने का काम मत कीजिए। डॉक्टर भगवान है, भगवान रह के रहिए, आप ड्यूटी ऑफ होने के बाद क्लिनिक में जाइए जहां जाना है, ड्यूटी पीरियड में ये पर्सनल क्लिनिक वाला काम मत कीजिए। प्रत्येक पंचायत स्तर में एक एक एमबीबीएस डॉक्टर बहाल करा ली तो इस व्यवस्था के लाने के हमने प्रयास कर दिया। चूंकि समय के अभाव है, आचार संहिता लग तो देखने करा, जब रखनी आचार संहिता लागल है से तो लागल बात की करब, तुम देखने करा दूसरे खातिर आचार संहिता के आज दिन लगो 3:30 बजे हमने 11 बजे मीटिंग समाप्त करना हो तो माफी चाहियो, समय कम हो, बाकी जो कह कहो कह दिलियो और की कहो। 3 साल से भले हमें दिल्ली में रहिए बम्बई में मोबाइलिया खा रहे हो देखिए रहा, वो एक समय हला ना वो सेटो मैक्स लगो फिल्म बराबर था ना सूर्य वंशम अमिताभ बच्चन के तो ना एक इधर काम हला तो अगर माया कर अभी छोटे ठाकुर का गाना सुन लो तो सही नहीं यार। अभी घर की हाल है कि यहाँ दीदी सब जब तक हमार भाषण ना सुन तो अगर बेलन में रोटी चल गए नहीं कर तो वो माहौल है हमारा मालूम है, ज्यादा बोले की जरूरत ना हो। 3 साल से जब कर रही हो ना कर रही हो जानकारी हो, इस बार हमने प्रत्याशी सरोज कुमारी जी है कौन बोकारो विधानसभा से चुनाव छाप चुनाव चिन्ह केची छाप लगो इस बार अपना आशीर्वाद दिया ठीक है। तो आज के इस कार्यक्रम में जितना भी अटल जाटल अटल है हमने पार्टी के पदाधिकारी सभी के धन्यवाद जोहार, महिला तमाम नेत्री महिला नेत्री सब तोहनियों के आभार धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितना माए मौसी काकी चेची दीदी सबके धन्यवाद, सबके नमस्कार जोहार आदाब सलाम, जितना हमारे अभिभावक सबके नमस्कार, और जितना भी मीडिया कर्मी के और जितना पुलिस वाला तोहनियों धन्यवाद, लेकिन कभी कभी गलत करा बाकी तोहनियों धन्यवाद, तोहनी से कोई हमारे शत्रुता ना है, बड़ा भाई लगा ऐसे भी तोहनियों मिडिल क्लास फैमिली के भी लगा अम्बानी घर का लगा ना तो पुलिस की नौकरी में आएगा पढ़ाई करे तो लो मिडिल क्लास फैमिली लगा, लेकिन कभी कभी धोनी पुलिस वाला तो नहीं विरंजी तिरंजी के चक्कर में ठीक नहीं करो, बाकी आज खातिर धोनी के धन्यवाद। हाँ जोहर हास ना मुस्कुरा ना क्यों राइट हाँ राइट की कह लेगा हाँ जोहर ठीक है सभी के धन्यवाद।